और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। वाराणसी में सील बिल्डिंग में अवैध निर्माण वालों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोहिनूर पर कागजी खेल खेलने में वीडीए जुटा हुआ है। सील बिल्डिंग में अवैध निर्माण करने वाले बेखौफ घूम रहे हैं। वाराणसी की कई कॉलोनियों में अवैध निर्माण लगातार जारी है। शहर में अवैध निर्माण को लेकर बेपरवाह वीडीए बना हुआ है। रविंद्रपुरी में अब भी आधा दर्जन अवैध निर्माण जारी है। रिहायशी इलाकों में अवैध रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। वीडीए वीसी अवैध निर्माण करने वालों के दबाव में है। ये सवाल है दरअसल कि क्या अवैध निर्माण इस वजह से नहीं हटवाया जा रहा है? क्या अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ ठोस कदम वीडीए उठाएगा, या फिर जिस तरीके से अभी हीला हवाली हो रही है वही स्थिति बनी रहेगी? पुलिस से लेकर वीडीए तक अवैध निर्माण का क्या जाल फैला हुआ है, ये भी एक बड़ा सवाल है। नीतीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, वाराणसी में सील जो बिल्डिंग है, अवैध निर्माण वालों पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, वीडीए कोई कार्रवाई करने में जुटा नहीं हुआ है, क्या इसके पीछे की वजह समझी जाए? इसके पीछे की वजह साफ तौर पर यह समझी जा सकती है कि कहीं ना कहीं वीडीए की जो भी कार्रवाई है, वीडीए का जो तंत्र है, उसमें कहीं ना कहीं खोट है, और जो उच्च अधिकारी हैं इस खोट को कहीं ना कहीं स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं। और इसकी एक वानगी अभी अगर बात करें तो बीते कल में एबीपी गंगा के कैमरे पर दिखी। मैं खुद वीडीए ऑफिस गया और वीडीए वीसी से इस अवैध निर्माण के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए, लेकिन वो भागती नजर आई। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि वीडीए वीसी बात नहीं करना चाह रहे हैं। आज भी आपको बता दूं कि जिस रविंद्रपुरी क्षेत्र में कोहिनूर पर अवैध निर्माण की काली छाया थी और वीडीए ने भी इसे देखा और बाद में उस बिल्डिंग को सील किया, लेकिन आपको बता दूं कि उस सील बिल्डिंग को के सील को तोड़कर वहां पर काम चल रहा था, तो क्या वीडीए के अधिकारी कान में तेल डाल के सो रहे थे? क्या वीडीए की नजर इस सील बिल्डिंग के सील के टूटे होने की खबर तक नहीं पहुंची थी, या फिर किसी खबर का इंतजार कर रहे थे और उसके बाद पहुंचकर कार्रवाई का कोरम पूरा कर दिया इन लोगों ने? सिर्फ और सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। अभी तक पूरे रविंद्रपुरी क्षेत्र में आधा दर्जन से ज्यादा अवैध निर्माण चल रहे हैं, लेकिन वीडीए वीसी ईशा दुहन कान में तेल डालकर सो रही है। आपको बता दें कि अभी तक जो अवैध निर्माण करने वाले हैं उन पर शिकंजा कसने के लिए कोई सार्थक कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, यही सबसे बड़ा सच है। आज भी वाराणसी शहर में बिल्कुल सबसे बड़ा सच भी है और सबसे बड़ा सवाल भी है नीतीश, की आखिर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? पुलिस से लेकर वीडीए तक क्या अवैध निर्माण का पूरा जाल ये फैला हुआ है, इस वजह से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, या फिर पीछे कोई और वजह है? बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश आपका जानकारी के लिए।